हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार आरपी कोचिंग क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का अगला टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन। क्या नाम है दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हमने पढ़ा प्रोनाउन और प्रोनाउन के प्रकार। तो दोस्तों देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन की जो मीनिंग होती है दोस्तों, वह होता है PERSONAL, पर्सनल। अब देखेंगे प्रोनाउन की क्या स्पेलिंग होती है, मीनिंग क्या होती है दोस्तों। वह होती है PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउन। अब देखते हैं दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। जो प्रोनाउन व्यक्ति के लिए प्रयोग प्रयोग होता है, उसे उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन। उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। हमने लिख दिया दोस्तों, जो प्रोनाउन व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन। ए 3, ए 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन की जो मीनिंग होती है दोस्तों, वह होता है PERSON, पर्सन। पर्सन की जो मीनिंग होती है दोस्तों, वह होता है PERSON, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन की जो हिंदी होती है दोस्तों, वह क्या होती है? वह होती है उत्तम पुरुष। देखते हैं दोस्तों, अब दूसरा जो प्रकार है वह है क्या है? सेकंड पर्सन। क्या है दोस्तों? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन। सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन की जो मीनिंग होती है दोस्तों, वह होती है SECOND, सेकेंड पर्सन। पर्सन की जो मीनिंग होती है दोस्तों, वह होता है PERSON। और जो सेकेंड पर्सन की हिंदी होती है वह क्या होती है? मध्यम पुरुष। देखते हैं जो तीसरा है वह है क्या दोस्तों? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन।
पुरुष। थर्ड पर्सन की जो मीनिंग होती है दोस्तों वह होता है TH IRD पर्सन, PERSON। थर्ड पर्सन की जो हिंदी होती है वह होती है दोस्तों अन पुरुष। तो दोस्तों अब जानेंगे हम फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, तो देखते हैं फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं। फर्स्ट पर्सन हमने लिख दी दोस्तों। फर्स्ट पर्सन की जो हिंदी होती है वह होती है दोस्तों उत्तम पुरुष। अब जानेंगे दोस्तों फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं। जो प्रोनाउन बोलने बोलने वाला बोलने वाला अपनी अपने लिए प्रयोग करता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। हमने लिख दी दोस्तों फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसी को क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन या उत्तम पुरुष। तो देखते हैं फॉर द एग्जाम्पल, जैसे मैं फॉर द एग्जाम्पल जैसे आई वी एस आवर माई ETC। तो दोस्तों देख लिया हमने इस प्रकार फर्स्ट पर्सन को जाना। अब जानेंगे सेकंड पर्सन क्या होता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम सेकंड पर्सन क्या होता है। सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष। तो देखते हैं दोस्तों सेकंड पर्सन किसे कहते हैं या मध्यम पुरुष। जिनसे बातचीत होती है उसके लिए प्रयुक्त प्रणाम को सेकंड पर्सन कहते हैं। दोस्तों हमने लिख दिया जिनसे बातचीत होती है
उस प्रोनाउन को क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन कहते हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल, जैसे yours, they, etc. दोस्तों हमने लिख दिया सेकंड पर्सन के एग्जांपल, यू, योर, दे, etc. तो देखते हैं दोस्तों जो अगला पर्सनल प्रोनाउन का भाग है वह क्या है? थर्ड पर्सन। क्या है दोस्तों? थर्ड पर्सन। क्या है दोस्तों? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। अन पुरुष, अन्य पुरुष। जानेंगे दोस्तों थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? अन्य पुरुष। नाम से ही पता चल जा रहा है अन्य पुरुष। जिनके विषय में बात, क्या दोस्तों? बातचीत 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 होती है उससे थर्ड थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन कहते हैं। हमने लिख दिया दोस्तों जिनके विषय में बातचीत होती है उस पर्सन को क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, जैसे ही सी इट दे etc. फॉर द एग्जांपल में लिख दिए दोस्तों थर्ड पर्सन के फॉर द एग्जांपल जो होते हैं दोस्तों वह क्या होता है? ही सी इट दे etc. तो दोस्तों देखते हैं नोट, जो हमारा महत्वपूर्ण नोट एक है इसको देखते हैं। आप लिखते रहिए दोस्तों नोट। तो दोस्तों हम देखेंगे नोट, हमारा नोट क्या है। नोट, नोट में आप लिखिए अपना अपनी अपनी की अंग्रेजी अंग्रेजी भिन्न 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 सर्वनामों के साथ भिन्न भिन्न
भिन्न होती है, होती है। हमने नोट लिख दिए दोस्तों, अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी भिन्न भिन्न सर्वनामों के साथ भिन्न भिन्न होती है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, फॉर द एग्जाम्पल, आई रीड माई बुक, आई रीड माई बुक, हिंदी इसकी होती है दोस्तों। हिंदी होती है दोस्तों, क्या हमने लिख दिया आई रीड माई बुक, हिंदी होती है, मैं अपनी किताब पढ़ता हूं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यू रीड योर्स योर्स बुक, जो इसकी हिंदी होती है, क्या होती है दोस्तों, तुम अपनी पुस्तक पढ़ते हो। हमने लिख दिए दोस्तों, देखो यहां ऊपर लिखे हैं क्या, अपना, अपनी की जो अंग्रेजी होती है भिन्न भिन्न होती है, और सर्वनामों के साथ क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे लिख दिया आई रीड माई बुक, तो यहां क्या लगा, माई लगा। और देखो यहां दोस्तों हमने लिख दिया यू रीड योर बुक, तो अलग-अलग अपनी, अपने की जो अंग्रेजी होती है भिन्न भिन्न होती है, और भिन्न भिन्न सर्वनामों के साथ उसकी अंग्रेजी भिन्न भिन्न होती है। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, सी रीड हर बुक, सी रीड हर बुक, वह अपनी किताब पढ़ती है, वह अपनी किताब पढ़ती है। वह अपनी किताब पढ़ती है। तो दोस्तों हमने जाना आज क्या, पर्सनल प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन के प्रकार, एक एक करके जाना दोस्तों। पर्सनल प्रोनाउन के जो प्रकार है, पहला प्रकार था क्या हमारा, फर्स्ट पर्सन, दूसरा था सेकंड पर्सन, तीसरा था थर्ड पर्सन। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।